ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد، رب کائنات کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعے کی نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم سب کو سننے کی توفیق بخشی. رب کائنات سے دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح صحیح بات کہنے کی اور سن کر کے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج پورے عالم کے اندر اگر ہم طائرانہ نظر ڈالیں تو ہر ایک پریشان نظر آئے گا. ہر ایک کہ دل کا جو سکون ہے وہ غائب ہو چکا ہے. ہر ایک انسان فکر کے عالم کے اندر ملوث ہے اور اس کی خواہش اور تمنا ہے کہ کس طرح سے میرے دل کو سکون میسر ہو، کس طرح سے مجھے سکون حاصل ہو جائے. اگر انسان مکان بناتا ہے تو سکون حاصل کرنے کے لیے، اگر گاڑی خریدتا ہے تو بھی سکون حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اس کی زندگی کے اندر سکون آ جائے. لیکن میرے نوجوانوں بزرگوں یاد رکھو، اللہ رب العزت نے جو سکون رکھا ہے آج ہم اس غذا سے غافل ہیں. جس غذا کے ذریعے اللہ اس دل کے اندر سکون پیدا فرماتے ہیں، اس دل کو سکون ملتا ہے، اس جسم کو سکون ملتا ہے، آج ہم بالکل اس سے غافل ہیں. آخر وہ کون سی غذا ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس قلوب کو سکون عطا فرماتے ہیں؟ آؤ قرآن سے معلوم کریں تو قرآن بتلاتا ہے، رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہاں کھو چکے ہو تم؟ آؤ قرآن بتلاتا ہے جو تمہاری خواہش ہے، جو تمہاری تمنائیں ہیں، جو تم چاہتے ہو، تو پڑھو قرآن کو اور سمجھنے کی کوشش کرو قرآن کیا درس دیتا ہے، قرآن کیا پیغام دیتا ہے. لیکن آج ہماری مسلم قوم کدھر جا چکی ہے؟ آج غفلت کے اڈوں پہ جا کر کے، بدکاریوں کے اڈوں پہ جا کر کے آج وہ چاہتے ہیں ہمارے قلب کو وہاں سکون ملے گا. آج ہم نے بازاروں کی زینت اپنے آپ کو بنا لیا اور چاہتے ہیں سکون وہاں ملے گا.
नहीं नहीं मैं खानों पे जा कर के सुकून नहीं मिल सकता, बदकारियां कर करके सुकून नहीं मिल सकता, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो करके सुकून मयसर नहीं हो सकता, नमाजों को छोड़ करके सुकून मयसर नहीं हो सकता। आप कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अगर तू चाहता है कि तेरा दिल मुतमइन हो जाए, तेरे दिल को सुकून मिल जाए, तो फिर अल्लाह का जिक्र कर। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि अल्लाह का कलाम कह रहा है और अल्लाह ने खुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया है। और क़यामत तक के इंसानों के लिए ये पैगाम है जो आज परेशानी के अंदर मुब्तला और मुलव्विस हैं, तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं, ये हमारे गुनाहों का समरा है, इसलिए कि हमने अल्लाह के दीन से बगावत की है, आज हमने अपने आप को जिक्रुल्लाह से दूर किया है। आखिर जिक्रुल्लाह है क्या चीज़? सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा पढ़ना क्या जिक्रुल्लाह है? नहीं, एक अल्लाह का जिक्र ये है कि नमाज पढ़, ये भी जिक्रुल्लाह है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर, ये भी जिक्रुल्लाह है, अल्लाह के सामने आ, रात को जाग करके अल्लाह को मना, उसके सामने हाथों को फैला, अपने गुनाहों के तौबा कर, ये भी जिक्रुल्लाह है जो तेरा रब तुझसे नाराज हो चुका है। रात के हिस्से में आकर के देख अपने रब को मना, फिर देख तेरी बीमारियों का इलाज कैसे करता। आज जो तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं, ये सब हमारे गुनाहों का समरा है। हाँ हाँ, मिसाल देता चलूं, एक वक्त वो भी था कि अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहने वाले किस तरह से अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। एक अल्लाह वाले थे, कैसे अल्लाह वाले, उनके पास कहीं से कीमती मोती आया, कीमती मोती आने के बाद उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और जब अल्लाह का शुक्र अदा किया उसके बाद वो कीमती मोती कहीं गुम हो गया, गुम होने के बाद उन्होंने फिर कहा, फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। अब जो खादिम था उसने सवाल कर लिया कि हज़रत ये बात तो सही है, अगर कहीं से कोई कीमती चीज़ मिली है तो उस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन अगर वही चीज़ गुम हो गई तो फिर अल्लाह का शुक्र किस बात पर अदा कर रहे हो? फौरन ने कहा कि तुझे मालूम नहीं कि जिस वक्त ये कीमती मोती मेरे पास आया था, मैंने अपने दिल के अंदर झांक करके देखा, अपने दिल को टटोला कि कहीं इस मोती का ताल्लुक मेरे दिल से तो न जुड़ गया, कहीं इस मोती की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर तो न बैठ गई। मैंने ये ख्याल किया, मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया कि नहीं, मोती से कोई ताल्लुक नहीं है, तेरे दिल का ताल्लुक तो अल्लाह से है। जब मोती की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर नहीं जमी थी, उसके बाद जब ये मोती गुम हो गया तो मैंने दिल को फिर टटोला और ये कहा कि दिल तुझ पर कहीं गम के आसार तो नहीं हुए हैं। जब मैंने दिल को टटोला और टटोलने के बाद मालूम हुआ कि नहीं, गम के कोई आसार नहीं हैं, तो मालूम हुआ कि अब उस पर भी मैंने क्या किया, खुदा का शुक्र अदा किया। इससे इबरत ये होती है मुसलमानों, सोचो आज अगर हम थोड़ी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, अल्लाह की नाशुकरी पर उतर आते हैं कि अल्लाह को परेशानी देने के लिए हम ही मिलते हैं, बल्कि बाद बाद मुसलमान तो वो होते हैं जो कलिमात कुफर कह डालते हैं, अल्लाह के शुक्र अदा करने के बजाय ईमान से भी खारिज हो बैठते हैं। सोचने का मकाम है, गलती हमारी, कोताही हमारी, तकब्बुर हमारे अंदर, किब्र हमारे अंदर, लेकिन दोष देते हैं इस दुनिया बनाने वाले मलिक कायनात को। आज ये परेशानी जन्म क्यों ले रही है? इसलिए कि आज हमने अल्लाह को नाराज कर लिया, आज हमारी जिंदगी जिक्रुल्लाह से गाफिल है। परेशानियां क्यों आ रही हैं? नई नई बीमारियां जन्म क्यों ले रही हैं? सिर्फ इसी वजह से कि आज हमारा जो दिल है, इस जिस्म की जो ग़िज़ा है, आज हम उससे महरूम हैं।
हाँ, बहुत से घराने वो भी होंगे, मैं नहीं कहता, बल्कि आप खुद गौर कर लेना कि 8-8 दिन हो चुके होंगे और घर के किसी एक फर्द ने भी रब के सामने अपनी पेशानी को ना झुकाया होगा। हाँ हाँ, मैं बता भी सकता हूँ, चैलेंज के चांस कह भी सकता हूँ, कितने नौजवान हमारे ऐसे भी होंगे 8-8 दिन हो गए उस रब की नाशुकरी कर रहे हैं जो उसे खाने के लिए देता है, पहनने के लिए देता है, पीने के लिए पानी देता है, लेकिन फिर भी उसके जिक्र से गाफिल। अगर तेरे अंदर बीमारी नहीं आएंगी तो और क्या होगा, तेरे ऊपर मुसीबतों का नुजूल नहीं होगा तो और क्या होगा। लेकिन आज हम चंद नमाजें पढ़ने क्या लग गए, दूसरों को नसीहत करनी शुरू कर देते हैं, दूसरों पर उंगलियां उठानी शुरू हो जाती है। पहले अपने आप को शरीयत मुतहरा के मुताबिक बनाओ, दूसरे के अंदर खामियां तलाश न करो, दूसरे के अंदर बुराइयां तलाश न करो, बल्कि कुरान क्या कहता है, आओ कुरान से पूछते हैं, अतअमुरूना الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تقلون الكتاب। कुरान क्या कह रहा है कि तुम कैसे हो लोगों को नेकियों का हुक्म करते हो, नेकियों का हुक्म करते हो और अपने आप को नहीं देखते, लोगों के सामने कुरान की किताब की तिलावत कर कर के समझाते हो, उनको एक पैगाम पहुंचाते हो, लेकिन कभी अपने अंदर झांक करके नहीं देखा कि हमारी ज़िंदगी किधर जा रही है। सोचने का मकाम है कि इंसान जिस मकसद के लिए दुनिया के अंदर आया, आज हम उससे गाफिल हैं, आज हम उससे दूर हैं। याद रखो, ये जिस्म जिस दिन इस ज़मीन के अंदर जाएगा तो ये अकड़, ये तकब्बुर, ये घमंड निकल कर के रह जाएगा। आओ मिसाल दे कर के समझाता हूँ, इसी रोए ज़मीन पर बसने वाला एक मालदार है, एक ज़मींदार है, अब वो चौक के अंदर खड़ा हुआ है और मालदारी भी कितनी है, आपके मेरे जैसा नहीं कि 80 बीघे ज़मीन है या 70 बीघे ज़मीन है, 50 बीघे ज़मीन है, ऐसा मालदार नहीं, बल्कि मालदारी का यह आलम है कि रेलगाड़ी के 3 जो ये स्टेशन होते हैं उसकी ज़मीन के अंदर बने हुए। अंदाज़ा लगाओ कितना बड़ा मालदार होगा। लेकिन एक दिन आजम माजरा होता है, एक चौक के अंदर खड़ा हुआ है, चंद आदमी उसके पास खड़े हुए हैं। अब एक आदमी ने कहा, मैं बड़ा परेशान हूँ, पैसे कहाँ से लाऊँ, बीमारियाँ तरह तरह की जन्म ले रही हैं, तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं। तो उसने बड़े तकब्बुर में कहा, बड़े घमंड के अंदर ये अल्फाज कहे, तू तो ये कहता है मैं पैसे कहाँ से लाऊँ, पैसे कहाँ से लाऊँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है कि मैं लगाऊँ कहाँ। उसके तकब्बुर के अल्फाज कहने थे। उसके बाद माजरा क्या होता है, ज़रा गौर से सुनना, और ऊपर के कानों से सुनकर के फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं, दिल के कानों से सुनना और आप ज़र से दिल की तख्ती पर लिख कर के जाना, तन्हाई में बैठ कर के सोचना कि हाँ, एक फ़कीर ने कुछ पैगाम दिया था, एक फ़कीर ने कोई बात सुनाई थी, और फिर गौर करना और सोचना कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया था, जिस अल्लाह ने हमें 24 घंटे के अंदर खाने के लिए रिज़्क देता है, क्या हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या अल्लाह के दीन के साथ बगावत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तन्हाई में बैठ करके मेरे इस बात को ज़रा सोचना और गहराई के साथ सोचना, बस यही पैगाम है। जब उस मालदार ने ये अल्फाज कहे हैं, कहने के बाद चंद दिनों के बाद बीमारी के अंदर मुलव्वस हो गया है, बीमारी लाहिक हुई है, अब उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद उसका एक नौजवान बच्चा है, 17 साल नौजवान है। अब नौजवान जो मालदार होता है तो उबास किस्म के लड़के उससे ताल्लुक बना लेते हैं ताकि उनको कुछ खर्चा मिलकर आए, दोस्ती का ताल्लुक गहरा हो गया है। अब उबास लड़कों से जो दीन से गाफिल, दुनिया से मोहब्बत रखने वाले, अल्लाह के दीन से बगावत करने वाले चंद उबास लड़कों से उसका ताल्लुक हो गया है, जो जिनाकारी करने वाले हैं, चोर हैं,
डाकू हैं, शराब पीने वाले हैं, अय्याशी करने वाले हैं, उनके साथ उसका ताल्लुक हो गया है। अब चुनाचे उसने भी गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है। अब जो पैसे अकाउंट के अंदर थे, चुनाचे चंद दिनों के अंदर वो पैसे ख़त्म हो गए, दूसरे मुल्कों का सफ़र करने लगा सिर्फ अय्याशी के लिए, गुनाह करने के लिए, कब्रों में जाने के लिए, नाच देखने के लिए। अल्लाह की बगावत पे उतर आया, फिर हाँ हाँ तारीख ने वो मंजर देखा और लोगों ने अपने कानों से देखा कि वो बाप जो उसी चौराहे पर खड़ा होकर के ये कह रहा था कि मेरे पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि मुझे ये फिक्र है कि इसको लगाऊं कहाँ पर। उसका वही बेटा एक दिन उसी चौराहे पर खड़ा होकर के कटोरा लेकर के भीख मांगा। अंदाजा लगाओ जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कितनी सख्त होती है। आज हम ये चाहते हैं कि महल्लात, एक पुरसुकून मकान बनाया, आलिशान मकान बनाया, सुकून मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। कंडीशन गाड़ी खरीद ली, सुकून चाहते हो, नहीं मिल सकता। आओ बताता हूँ सुकून किस चीज़ में मिलेगा। मेरा रब पुकार रहा है और कह रहा है, ओ मेरे बंदे आ जरा मेरी तरफ, देख मैंने तुझे किस लिए पैदा किया, देख मेरा रब्बे करीम कितना गफूर है। तू गुनाह करता रहा पूरी ज़िंदगी, गुनाहों की दलदल के अंदर डूबता रहा, लेकिन रब ने तुझे जब भी अपनी तरफ बुलाया और पुकारा, आ मेरे बंदे आ मुझसे ताल्लुक कर, गुनाहों को बख्शने वाला मैं हूँ, गुनाहों को धोने वाला मैं हूँ। जब तू मेरे सामने आँखों से आंसू का कतरा बहाएगा तो मुझे अपने रहीम होने की कसम है, मुझे अल्लाह होने की कसम है, मैं तेरे गुनाहों को ख़त्म कर दूंगा, सगीरा भी मिटा दूंगा, कबीरा भी मिटा दूंगा। मेरे सामने आकर देख, मेरे सामने अपनी पेशानी को झुका कर तो देख, मैं वो रहीम हूँ, मैं वो करीम हूँ जो तुझे पाक साज बना दूंगा। हदीस कुदसी है, एक सिर्फ हदीस होती है, उसका वास्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी के दरमियान का वास्ता होता है। जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को बात पहुँचाएँ उसको हदीस कहते हैं। एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर के नाजिल होते उसको कुरान कहते हैं, लेकिन एक हदीस कुदसी होती है। हदीस कुदसी क्या होती है, जिसको डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी के दिल में बात को डाले उसको हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस कुदसी सुनाता हूँ, ज़रा गौर करो, मेरा रब अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। नौजवानों ख़ास तौर से तुमसे मुखातब हूँ, आज के नौजवान जिनके दिल का सुकून छिन चुका है, तरह तरह की परेशानी के अंदर मुलव्विस हो चुके हैं, ख़ास तौर से मैं अपने नौजवानों से मुखातब हूँ। देख मेरा नबी जो मेरी और आपकी खातिर तड़पता रहा, रोता रहा, कई कई रोज पाखों से रहा, उस नबी का फरमान सुन। और हदीस नहीं बल्कि हदीस कुदसी सुनाता हूँ, जब एक बंदे की जिंदगी गुनाहों की दलदल के अंदर गुजर चुकी हो, लेकिन जब रब्बे कायनात के सामने आकर के इन नासों से आंसू निकालता है, आंखों से आंसू बहाता है, तो रब्बे करीम उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इसी पर बस नहीं किया बल्कि मेरे और आपके आका कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे कायनात वो फरिश्ते जिन्होंने उस गुनाह को रजिस्टर के अंदर लिखा था उनके जहन से भी उन गुनाहों को निकाल देते हैं। क्यों? इसलिए कि कई कल क़यामत के दिन मैदान महशर लगा हुआ होगा और तमाम उम्मतें जमा होंगी और ये फरिश्ते मेरे बंदे के खिलाफ गवाही देने के लिए खड़े ना हो जाए। अंदाजा लगाओ जब मेरे रब का ताल्लुक हमारे साथ ऐसा है तो हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, जिंदगी किधर चली गई। अगर तू सुकून चाहता है तो फिर आ रब के दरबार में, ये दरवाजे खुले हुए हैं, 24 घंटे तेरी ज़ियारत के लिए तरसते हैं। 8-8 दिन हो गए रब के सामने तूने एक सजदा न किया, रब का खाता रहा पीता रहा, लेकिन तुझे इतनी तौफीक न हुई कि तू एक सजदे में पड़ जाता और रब का शुक्र अदा करता, अपने मौला को बनाता,
ऐ रब्बे करीम, हकीकतन मैंने तेरी नाफरमानियाँ की हैं, आज बीमारियाँ जन्म क्यों ले रही हैं, रब की बगावत करोगे सजा तो मिलेगी। आओ एक मिसाल और देता चलता हूँ कि अल्लाह वाले अपने रब को कैसे राज़ी करते हैं। हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम का नाम तो सभी ने सुना होगा, वो किसी मालदार के ग़ुलाम थे, लेकिन एक मालदार भी कैसा जो उनसे उनकी ज़कावत और रहानत की वजह से उनसे बड़ी मोहब्बत करा करता था। एक दिन कोई चीज़ काट करके उनको अपने हाथ से खिलाने लग जाता है, चुनाचे लुक्मान नारे ही सलाम उस चीज को बड़े मजे ले लेकर के खा रहे हैं। लुक्मान नारे ही सलाम जब उस चीज को खा रहे हैं, अब उस चीज की एक फांक बची है। अब क्या हुआ, जो मालिक था उसने उस फांक को उठाया और खाना शुरू किया। मुसलमानों अंदाजा लगाओ वो फांक इतनी कड़वी थी, जैसे ही उस आका ने खाया, हजरत लुक्मान अलैहिस्सलाम के मालिक ने खाया, तो उसकी जबान पर एक आबला पड़ गया, एक पपूला पड़ गया। फौरन ने कहा कि लुक्मान तुमने बताया क्यों नहीं, ये तो इतना कड़वा है, इतना गर्म है कि इसकी वजह से मेरी जबान पर आबला पड़ गया है। ए लुक्मान तूने बताया क्यों नहीं, तूने तमाम को खा लिया। लुक्मान अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे मालिक कैसे बताता, जिस मालिक ने मुझे बरसों से मीठी चीजें खिलाई हो, अगर आज वो अपनी प्यार और मोहब्बत में एक कड़वी चीज खिला रहा है, हालांकि उसको मालूम भी नहीं है, तो मैं उस मोहब्बत भरी चीज का कैसे इनकार करूं। अगर आज मेरे रब ने हमें परेशानियां दी हैं तो उस पर नाशुक्री क्यों। हदीस शरीफ के अंदर यूं आता है कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसको किसी न किसी मुसीबत के अंदर डाल देता है। तो हमेशा अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह का जिक्र रखो। जिंदगी के अंदर अगर सुकून चाहते हो तो मुसलमानों कुरान करीम की इस आयत पर अमल करो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, पूरे जिस्म को सुकून मिलता है, बीमारियां ख़त्म होती हैं। और सिर्फ जिक्रुल्लाह के अंदर ये दाखिल नहीं है कि तस्बीह लेकर के बैठ गए नमाजों से गाफिल हैं, तस्बीह लेकर के बैठ गए वाजिबात को छोड़ दिया, तस्बीह लेकर के बैठ गए और गाफिल हैं तमाम फराइज से, ये नहीं है। नमाजें भी अल्लाह का जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह भी अल्लाह का जिक्र है, तस्बीहात भी अल्लाह का जिक्र है। आओ रात के आखिरी हिस्से में उठ कर के अपने रब के मनाओ, अपने रब को राजी कर लो। ये अलामत है तरह तरह की बीमारियों का जन्म लेना, इस बात की अलामत है कि आज हमने अपने रब को नाराज कर लिया। तो ज़रूरत है हम सब को अपने रब को राज़ी करने की। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।